गुड मॉर्निंग डियर्स, आज हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और आपका वेलकम है ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के ऊपर। और हमने एक 5 सॉलिड बॉडी की एक सीरीज पूरी की है जिसमें सेंटर ऑफ मास उनमें आपको निकालना सिखाया। मैंने आपको लेक्चर के वेरी इनिशियल में बताया था इस सीरीज में कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट उनके रिजल्ट की जरूरत है। अगर आप सीबीएसई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। तो आज हम सेंटर ऑफ मास का सब हेडिंग लेके आए हैं, सेंटर ऑफ मास कि सब हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज प्रॉब्लम। मतलब हमने दो बॉडी ली और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसके अंदर हमने 5 तरह की बॉडीज की। नंबर 1 स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर और कह सकते हो आप रॉड। सेकेंड सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर वायर और आप कह सकते हो रिंग। थर्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। फोर्थ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ये 5 ड्राइव की मैंने आपको सीरीज करवाई है। इस 5 ड्राइव के अंदर आज मैं इनके डायरेक्ट आपको रिजल्ट तैयार करके दूंगा, फिर इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स तैयार करेंगे। देखिए रोड, रोड का सेंटर ऑफ मास होता है बेटे, अगर एल लेंथ की वो रोड है, मतलब इस लेंथ की रोड है, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका सेंटर ऑफ मास टोटल लेंथ के क्या आएगा बेटे, बिल्कुल सेंटर में आएगा, मतलब L बाय 2। आप इसकी सीरीज देख सकते हैं लेक्चर नंबर में। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर रिंग, मतलब कि इस तरह का एक रिंग होगा जो अंदर से होलो होगा, उस रिंग का रेडियस हमने क्या ले लिया बेटे R, तो कहीं ना कहीं सेंटर उसका इस जगह पे लाई करेगा, तो ये वैल्यू कितनी है 2R अपॉन पाई, 2R अपॉन में पाई। नोट कर लो बेटे साथ साथ। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर इस तरह से फिल है 3D के अंदर और इसका रेडियस अगर आपने R ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास रेडियस के हाफ होगा। लेक्चर में इसका डेरिवेशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं बेटे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क
ये देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, पर डिस्क डिस्क एक सिंगल स्लिट के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं बेटे कि 2D के अंदर, तो 4R अपॉन में 3π है, 4R अपॉन में 3π। नोट कर लो शाबाश। और सॉलिड कौन, लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड बॉडी है, लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड बॉडी। दैट इज अगर मैं किसी कौन की हाइट h लेता हूं, तो सॉलिड कौन की सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बेटे, h/4। तो फटाफट इसको नोट करें और हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। शाबाश, डू इट फास्ट। अब हमारा पहला न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि ये एक स्क्वायर है बेटे और उसके साथ एक सेमी सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है। ये पार्ट कैसा है, सेमी सर्कुलर डिस्क है और ये कैसा है, एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। तो कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज। तो देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा आपको अंतर नहीं पढ़ने। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी डायमेंशन ये 2a है, तो ये भी क्या होगी, स्क्वायर बोला तो ये भी बेटे 2a। ये इसकी रेडियस है a, a, ये भी a, ठीक है बेटे। और कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा बेटे, यहां आ जाएगा। चलो ये मान लो बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर क्या हो गया बेटे 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, C2, और कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, C1। तो मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले दो वर्टिसेस निकालो, दिस वन इज ए C1 एंड दिस वन इज ए C2, दिस वन इज ए C1 एंड दिस वन इज ए C2। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क क्या आएगा, और सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। शाबाश, नोट करो, सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले आप ये देखो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास a, नोट करो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास a। और सेमी सर्कुलर का भी मैंने कहा था कि अगर ये रेडियस r की जगह पे अब a हो गया, तो 4a अपॉन में 3π। तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया बेटे, 4a अपॉन में 3π। चलो क्वेश्चन सॉल्व। ये चीज हो गई आपके पास 4a 3π प्लस a, बोलिए डन है। चलो अब यहां पे आना चाहिए बेटे मास, यहां पे भी क्या आना चाहिए, मास। तो इसका मतलब ये अगर मैं पहला ओरिजिन मान लूं, तो दिस वन इज ए 0 0 और ये कितना हो जाएगा, बनाओ कितना हो जाएगा, 4a प्लस
3a पाई अपॉन 3 पाई, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे 3 पाई। अब आपका कंफ्यूजन सिर्फ इतना रह गया कि हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो इसका मास हो जाएगा बेटे m1। तो मास, दिस इज ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, तो मास अपॉन में क्या होता है एरिया। तो m1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन में, सेमी सर्कुलर डिस्क है तो पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2, मास आ गया। और इसका मास क्या बन जाएगा बेटे m2 सिग्मा इनटू 2a 4a का स्क्वायर। तो देखो अब आपके पास सारे क्वेश्चन का काम खत्म, m1 भी आ गया m2 भी आ गया, बस अब आपको क्या करना है फॉर्मूले में लगाना है। तो xCUM क्या फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो m1 x1 की वैल्यू तो चेक कर लो बेटे 0, ये तो हो गया 0, क्लियर। m2 क्या हो गया, मास सिग्मा 4 a स्क्वायर। x2 क्या अपने पास 4a प्लस 3a पाई अपॉन 3 पाई, ठीक, ओवर m1 प्लस m2। m1 है आपके पास सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 2 प्लस सिग्मा 4a स्क्वायर। तो देखिए इसको अब आप सॉल्व अपने हिसाब से कर लेंगे तो बहुत कुछ कट जाएगा, और आंसर आप फाइंड आउट कर कर सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और नोट डाउन। देखो सबसे पहले स्केयर बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास हो गया a, सेमी सर्कुलर डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास हो गया बेटे 4a अपॉन में 3, 4a अपॉन में 3 पाई, क्लियर। और दोनों का सेंटर ऑफ मास c1 और c2 ले लिया, c1 और c2 आपने प्लेस किया, दोनों का डिस्टेंस 4a प्लस a बाय 3 पाई का ऐड किया, एक वर्टिसेस बन गई 0 0 और दूसरी उन दोनों का टोटल, और m1 m2 निकाला और आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन, दूसरा क्वेश्चन एक ट्रायंगल है, दिस वन इज ए ट्रायंगल एंड दिस वन इज ए स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a। कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू कंबाइन बॉडीज, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू कंबाइन बॉडीज। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर यहां लाई करेगा बेटे C1, या इसे C2 ले लो। तो ये पॉइंट हो गया सेंटर, और कौन का सेंटर क्या होता है बेटे C1। तो यहां से लेकर यहां तक का सबसे पहले अब हमें क्या बनाना है बेटे डिस्टेंस। तो ये होता है बेटे कौन का, ये वाला पार्ट a बाय 3 और ये क्या हो गया a, तो दोनों का क्या हो जाएगा टोटल। चलो तो ये हुआ C1 एंड दिस वन इज ए C2, सेंटर ऑफ मास दोनों का हमने मिला दिया, तो ये a बाय 3 और ये a बाय 1, तो हो गया टोटल आपका 4a अपॉन में 3, ठीक है। तो इसका सेंटर आपने ले लिया बेटे ओरिजिन पे 0 0, ये क्या हो गया बेटे
फोर ए अपॉन में थ्री एड जीरो। अब रह गई प्रॉब्लम एम वन और एम टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम है, तो इसका मास एम वन सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू, टू ए मतलब इसका बेस इंटू एल्टीट्यूड ए, क्लियर? टू से टू गया, क्या बन गया सिग्मा ए स्क्वायर, क्या बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन में टू इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट मैंने ए ले ली थी बेटे। ओके, इसका एम टू सिग्मा टू ए का स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर। क्वेश्चन डन। कैसे? सेंटर ऑफ मास M1 X1 M2 X2 और M1 plus M2, M1 plus M2। देखिए M1 है X1 जीरो, M2 है X2 फोर ए बाय थ्री, M1 plus M2। राइट डाउन M1 आपका जीरो, ये वाला फंक्शन तो जीरो हो ही गया क्योंकि यहां पे जीरो लगेगा और यहां पे कितना लगेगा 4a by 3। तो M2 कितना है अपने पास सिग्मा 4a square 4a by 3। M1 कितना है सिग्मा a square प्लस सिग्मा 4 ए स्क्वायर। चलो ये कितना हो जाएगा सिग्मा 4 16 ए क्यूब अपॉन में 3, क्लियर? सिग्मा ए स्क्वायर 5 सिग्मा 4 दोनों में से सिग्मा कॉमन 5 ए स्क्वायर, कैंसिल कर दो, सिग्मा से सिग्मा गया, सिग्मा से सिग्मा और पलट जाएगा तो ए स्क्वायर से ए, तो हमारा आंसर क्या बन गया सिग्मा ए अपॉन में 5 3 जा 50 जीरो, मतलब हमने लास्ट में आंसर दे, क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटे 16 ए बाय 15। नोट डाउन बेटा, कौन का याद रखें बॉटम से ए बाय 3 होता है और ऊपर से ए में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है, पहले आप लोग ट्राई करना पॉज करके फिर मैं करूं। ये अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि दो सर्कल सर्कुलर रिंग आपस में एक के दूसरे के साथ बॉडी कॉन्टेक्ट के ऊपर है, एक का सरफेस चार्ज मास डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है सिग्मा और दूसरे का है 2 सिग्मा। कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर द दिस सिस्टम। रेडियस दोनों का मैंने सेम रख दिया, शाबाश करिए। सबसे पहला काम आप लोगों को मास निकालना है बेटे, सबसे पहला काम मास निकालें, दोनों का मास निकाल के क्वेश्चन स्टार्ट करें, फिर एक को मान लें C1 और एक को मान लें C2। C1 को रख लो ओरिजिन पे और C2 का डिस्टेंस निकाल लो, क्वेश्चन बिल्कुल डन बटा डन, शाबाश, डू इट फटाफट करिए बेटा और क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर एम टू टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर। देखो मिलाओ इतना आया है कि नहीं। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, सी वन सी टू ये इसका ओरिजिन, यहां से यहां तक ये टोटल हो गया 2r, तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया 2r 0, y एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, 0 0 2r 0 क्या। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पे बोलता हुआ यहां बोलता हुआ, चलो हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहां हो गया। ठीक, तो मेरे बच्चे सारे के सारे होशियार हैं, m1 x1 m2 x2 over m1 plus m2 m1 plus m2 क्वेश्चन डन होना चाहिए। m1 x1 की वैल्यू आपके पास 0, m2 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, x2 हो गया बेटा 2r, m1 कितना है सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा। अब तो कर लोगे कि अभी भी नहीं होगा, करो शाबाश, अब हो जाना चाहिए बेटे। तो कितना आ गया आपके पास, 2 सिग्मा पाई 2 टू 4 ही कर लो आर क्यूब एक और तीन आर स्क्वायर, जो कटते हैं काटो, सिग्मा पाई स्क्वायर कितना आ गया, सी ओ एम 4 आर अपॉन 3। तो सेंटर ऑफ मास 4 आर अपॉन में 3 इंटू 0, दिस इज योर आंसर। तो प्यारे बच्चों आप मेरी बात को मेरी भावनाओं को समझो कि दिस इज सो टिपिकल चैप्टर। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, क्लियर। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कॉपी मेंटेन करें और साथ साथ न्यूमेरिकल कोई भी बुक उठाकर करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बेटे नोट करें, एक क्वेश्चन बना के भी देता हूं होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को करना आप लोग कि एक सॉलिड कॉन है, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड कॉन, और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक सॉलिड कॉन और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड कॉन और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, दिस वन इज ए सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर
का रेडियस आर और सॉलिड कॉन का हाइट एच है। बाकी सब डाटा आपको खुद मेंटेन करना है। तो देखो ये हो गया 3D। तो सॉलिड कॉन को मैंने आपको 3D में करवाया है और ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर को आप चेक कर लेना किसमें है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में भेजना है आपको। क्लियर? डन।